जीना एक युद्ध है, हमारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हमें वही काम करने को कहता है जो काम हमारे लिए संभव है और जो काम करने के लिए वो हमको शक्ति भी देता है। हालेलुया। मैंने आपसे पिछले बार जब इस विषय पर बात की थी, मैंने आपको बताया था हमारे अंदर कुछ दुश्मन हैं जो हमें पवित्र जीवन नहीं जीने देते। हमें लगता है कि मैं गलत काम क्यों करता हूं, क्योंकि मेरे आसपास का वातावरण गलत है। हमें लगता है कि हम गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे दोस्त बुरे हैं, क्योंकि मेरा वातावरण अच्छा नहीं है, मेरा ऑफिस आपको नहीं पता मेरा बॉस कितना बुरा है। हमें लगता है कि हमारे इर्द गिर्द समस्या है हमारे इर्द गिर्द समस्या, लेकिन बड़ी समस्या मैंने आपसे क्या कहा था, हमारे अंदर है समस्या। मैंने आपको बताया था कि जो किला होता है, किला, तो अगर किले के बाहर बहुत सारे दुश्मन हैं, हम अपने आप को बचाएंगे नहीं बचाएंगे? अगर हम किले के अंदर हैं और किले के बाहर हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, क्या हम अपने आप को उनसे बचाएंगे नहीं बचाएंगे? लेकिन अगर किले के अंदर दुश्मन हो, अगर अपने किले के अंदर ये विश्वासघाती बंदा बैठा हो जो कि हमारा दुश्मन है, तो क्या वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है? ज्यादा खतरनाक है। तो इसका मतलब अंदर जो दुश्मन है, हमारे अंदर जो दुश्मन है, वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। मैंने आपको इस प्रकार के 5 दुश्मन बताए थे। पहला दुश्मन मैंने आपको बताया था, सब लोगों की अलग अलग व्यक्तिगत कमजोरी होती है और उस कमजोरी में पड़ के हम अलग अलग पाप करते हैं। मेरी कमजोरी कुछ अलग है, इनकी कुछ अलग है, इनकी कुछ अलग है, आपकी कुछ अलग है, लेकिन व्यक्तिगत कमजोरी, सिंस ऑफ पर्सनल वीकनेस, जो हम सब की अलग अलग वीकनेस है, अलग अलग कमजोरी है, उस कमजोरी में फंस जाते, घिर जाते, पकड़े जाते, गिर जाते और वहां पे हम पाप कर देते हैं। वो हम सब के अंदर है। क्या आप सब जानते हो? मुझे मालूम है, आपको अच्छे से पता है आपकी कमजोरी क्या है, और उस कमजोरी में गिर के आप बार बार पाप कर देते हैं। वो आपका अंदरूनी दुश्मन है जिसको बाइबल कहती है मार डालो, खत्म कर दो उसको। क्या आप कर रहे हैं अपने अंदरूनी दुश्मन के साथ युद्ध कर रहे हैं? दूसरा दुश्मन मैंने आपसे कहा था, बेकाबू गुस्सा, क्रोध, गुस्सा, जिसको हम काबू नहीं कर सकते और अपने गुस्से में आकर के हम अलग अलग तरह के पाप कर बैठते हैं। अपने गुस्से में आकर के हम अपनी पत्नी के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर कि उसको बुरा लगे अपनी पत्नी के साथ। क्रोध के मारे हम शायद हाथ भी उठा देते हैं अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर। शायद हो सकता है कभी कभी पति पत्नी अपने पति पर भी हाथ उठाती हो। गालियां निकालना, गुस्से में आकर के किसी को श्राप देना, किसी को धक्का मारना, किसी और की सहायता के साथ मिलकर किसी और को नुकसान पहुंचाना, गुस्से में आकर के हम बहुत कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका बहुत लंबे समय तक हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। बाहरी रूप से भी सब कुछ हम खराब कर देते हैं, रिश्ते नाते खराब कर देते हैं, और अंदर से भी अपनी आत्मा को हम कमजोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती गुस्से में शैतान को पैर रखने की जगह मत दो। यानी कि शैतान कब तुम्हारे जीवन में घुसना चाहता है, वो तो हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जब हम गुस्सा होते हैं, शैतान बड़े आसानी से हमारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम उस समय उसके लिए तैयार होते हैं। तीसरा हमारा दुश्मन मैंने आपसे कहा था, लोभ और लालच, दुनिया की चीजों का लालच करना, दुनिया की चीजों का प्यार करना, अमीर होने के, पैसा कमाने के लिए पागल हो जाना, दिन रात एक कर देना पैसा कमाने के लिए, ये हमारा आपका आंतरिक दुश्मन है जो आपको पवित्रता से रोकता है। चौथा हमने जलन के बारे में देखा था, किसी और को बढ़ता हुआ देख करके हम घट जाते हैं, किसी और को बढ़ता हुआ देख करके हमारा बुरा हाल हो जाता है, और जलन हमारा चौथा दुश्मन है जो हमें पवित्र जीवन जीने नहीं देता। और पांचवा मैंने आपसे कहा था, घमंड, अलग अलग बातों का घमंड है,
हमारे अंदर जब घमंड आता है इस बात का, मैं सुंदर हूँ या मेरी पत्नी सुंदर है, या मैं मेरे पास अच्छी नौकरी है, मेरे घर वाले बड़े अच्छे हैं, मेरी जायदाद ऐसी है, मैंने ये काम कर दिया, मेरी कंपनी में कोई ये काम नहीं कर पाया, मैंने करके दिखाया, मेरे जैसा कोई है नहीं, अलग अलग बात, आप जानते हैं आप किस किस बातों का घमंड करते हैं। ये हमारे 5 दुश्मन हैं जो हमें पवित्र जीवन नहीं जीने देते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमारा बाहरी दुश्मन क्या है। हमारे अंदर के दुश्मन मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमारा बाहरी दुश्मन कौन से हैं, हमारे जीवन से बाहर कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हमारी दुश्मन हैं और हमें पवित्र जीवन नहीं जीने देते हैं, कौन सी वो चीजें हैं। और मैंने इस बात को, इस दुश्मन को जो बाहरी दुश्मन है हमारे, मैंने एक ही शब्द में डाल दिया है, और वो है ये संसार। ये संसार हमारा दुश्मन है। एक दूसरे को बोलेंगे आप, जो आपके आसपास बैठे हैं उनको बोलें, ये संसार हमारा दुश्मन है। बोले बोले, ये संसार हमारा। मुझे लगा कि मैं आपको 4-5 चीजें बताऊं, लेकिन मुझे ये ऐसा लगा, इफ दिस वन थिंग इफ यू कैन कैच, अगर इस एक चीज को आप पकड़ लेंगे, जान जाएंगे, तो आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये संसार है जो हमारा दुश्मन है। संसार तो प्रभु ने बनाया है, जो चीज प्रभु ने बनाई हमारा दुश्मन कैसे हो सकती है? दुनिया किसने बनाई बताइए? परमेश्वर ने। तो जो चीज प्रभु ने बनाई वो मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? क्योंकि सुनिए, जब प्रभु ने दुनिया बनाई थी तब दुनिया पवित्र थी, सिद्ध थी, शुद्ध थी, सही थी। लेकिन आज दुनिया का हाल जो है वो वैसा नहीं है। प्रभु ने दुनिया अच्छी और पवित्र और परफेक्ट बनाई थी, लेकिन आपने और मैंने, इंसान ने मिलकर के दुनिया को नष्ट कर दिया है। दुनिया के, हम जब संसार की बात करते हैं, दुनिया हमारा दुश्मन है। इसका मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि पहाड़ और समुद्र और पानी और पेड़ जंगल, मैं नेचर की, प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूं। जब हम कहते हैं कि दुनिया हमारा दुश्मन है, उसका मतलब दुनिया जिस तौर तरीकों पर चलती है, दुनिया जिस सोच विचार से चलती है, दुनिया जिन बातों को प्राथमिकता देती है, दुनिया जिन बातों को उचित समझती है, परमेश्वर के राज्य में वैसा नहीं है। यीशु मसीह आया, यीशु ने क्या कहा? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यीशु, आपने ही तो संसार बनाया है। हां, मैंने बनाया है, यीशु कहता है, लेकिन तुम लोगों ने पाप के द्वारा, पाप के साथ तुमने दुनिया को उल्टा कर दिया है। इसलिए आज जो दुनिया है वो हमारे परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रही है। तभी तो यीशु ने क्या किया है आपको और मुझको, विश्वासी लोगों को क्या किया है? दुनिया से निकाल लिया है। सुन रहे हैं आप? हम जब विश्वास में आते हैं, what does God do when we come to Christ? हम जब मसीह में आते हैं तो यीशु हमें क्या करता है, प्रभु हमें क्या करता है? पापों से निकाल लेता है, दुनिया से निकाल लेता है। और फिर बाइबल में लिखा हुआ है, इसीलिए यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, तुम दुनिया में हो लेकिन दुनिया के नहीं हो। हम दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं है। इसीलिए दुनिया हमारा दुश्मन है, संसार हमारा दुश्मन है, ये वर्ल्ड हमारा दुश्मन है। जिस पैमाने पर, जिस तौर तरीकों पर, जिस सोच विचार पर, जिस फिलॉसफी पर, जिस सिस्टम के साथ ये दुनिया और हमारा समाज चलता है, वही हमारा दुश्मन है। इसीलिए आप लोगों के लिए मसीही बनना, मसीही जीवन जीना कितना आसान है चर्च में। आप लोगों के लिए, मेरे लिए क्रिश्चियन जीवन जीना, मसीही जीवन जीना बहुत आसान है। कहां पर? चर्च में, क्योंकि यहां पर सब प्रभु के हैं। लेकिन हमारा युद्ध, हमारी परेशानी, हमारी दुविधा, हमारा संकट कहां शुरू होता है? बाहर, क्योंकि बाहर परमेश्वर का राज अभी नहीं है। अल्टीमेट राजा परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह पूरे दुनिया का फैसला करेगा। लेकिन अभी कौन चला रहा है दुनिया को? शैतान चला रहा है। इसलिए ये दुनिया, दुनिया के तौर तरीके, दुनिया का सोच विचार, दुनिया का जो सिस्टम, दुनिया के कस्टम्स, दुनिया की फिलॉसफीज, दुनिया की प्रायोरिटीज, यही हमारा दुश्मन है।
इसलिए परमेश्वर की बातें आपको सिर्फ परमेश्वर सिखा सकता है। दुनिया से प्रेम करना, दुनिया की बातों में पड़े रहना, देखो सामने वचन में क्या लिखा हुआ है, याकूब उसका 4:4 में लिखा, हे व्यभिचारियों क्या तुम नहीं जानते कि संसार से दोस्ती करना परमेश्वर से दुश्मनी करना है। क्या शब्द लिखा है, हे व्यभिचारियों। व्यभिचार क्या होता है, सब सबका ध्यान इधर ही है। व्यभिचार क्या होता है, पति और पत्नी का रिश्ता जब खराब हो जाता है क्योंकि दोनों में से किसी एक ने किसी और के साथ गलत संबंध बना लिया, उसे क्या बोलते हैं, सारे बोलो क्या बोलते हैं, अरे व्यभिचार तो वो है एक पुरुष और स्त्री का अनैतिक संबंध, गलत संबंध, उसको व्यभिचार बोलते हैं। लेकिन बाइबल हम लोगों को व्यभिचारी बोलती है जब हम दुनिया से प्यार करते हैं। समझ में आया कितना खतरनाक है, परमेश्वर की नजरों में दुनिया से प्यार करने वालों को बाइबल क्या कहती है, व्यभिचारी कहती है। सुन रहे हैं आप, हम व्यभिचार कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के विरुद्ध हम व्यभिचार कर रहे हैं जब हम दुनिया की बातों के पीछे दौड़ते और भागते हैं और पागल हो जाते हैं। आई डोंट नो, ये वचन में लिखा हुआ है। गुस्सा आ रहा है कई लोगों को, ये क्या, ये कौन सी वाणी सुना रहे हैं आज पास्टर जी, बाइबल में लिखा हुआ है, हे व्यभिचारियों जो दुनिया से प्यार करते हैं परमेश्वर से ज्यादा बढ़कर, जो दुनिया से प्यार करते हैं भले क्रिश्चियन टैग के लोग हो फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट व्यभिचारी तो वही हो सकता है ना जिसकी शादी हो, इसका मतलब हम प्रभु के हो चुके हैं, तभी तो हम प्रभु की क्या है, दुल्हन है। लिखा है वचन में विश्वासी लोग प्रभु की क्या है, दुल्हन है। इसका मतलब कौन है हमारा सर, कौन है हमारा राजा, कौन है हमारा आत्मिक पति और पिता, कौन है, यीशु मसीह। अब समझ में आया क्यों व्यभिचार हो गया, क्योंकि हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं। और जब यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया जब संसार के पीछे भागती है तो क्या हुआ, वो क्या बोलेंगे उसको, व्यभिचार बोलेंगे। समझ में आ रहा है सबको, जिनको समझ में आया हाथ उठा दें, समझ में आ गया। इसीलिए बाइबल हमें व्यभिचारी कहती है जब हम परमेश्वर से बढ़कर, यीशु से बढ़कर संसार की चीजों को प्यार करते हैं तो हम व्यभिचार करते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करना है, इसलिए यदि कोई संसार से दोस्ती करता है तो वो अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। कितना स्पष्ट सीधा प्रभु का वचन हमसे बात करता है। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यहां पर मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, ध्यान से नोट करोगे तो जरूर आप समझ पाएंगे, बहुत आसान बात है। 4:4 में, याकूब 4:4 में वो कहता है संसार से दोस्ती ना करो, कहता है कि नहीं कहता है। फिर 4:7 में कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। इसका मतलब शैतान का सामना यहां पर करना, इसका मतलब क्या है, दुनियादारी से भाग जाओ। इसका मतलब शैतान हमारे सामने किस रूप में आता है, हमेशा दुष्ट आत्मा लेके नहीं आता। अगर शैतान हमेशा सिर्फ और सिर्फ दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा के रूप में हमारे सामने आएगा, क्या हमें पहचान में नहीं आएगा, बताइए। अगर शैतान दुष्ट आत्मा के रूप में हमारे सामने आए, क्या हम उसको पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। पहचान पाएंगे तो फिर उसका काम कैसे होगा। शैतान जानता है अगर मैंने बुरी आत्मा के द्वारा काम किया, अगर मैंने दुष्ट आत्मा को भेज के काम किया, तो शैतान को पता है भैया ये लोग तो प्रार्थना में जुट जाएंगे, उपवास करेंगे और मुझे भागना पड़ेगा। इसलिए शैतान हमेशा और ज्यादातर, सुन लो ध्यान से, ज्यादातर शैतान ईवल स्पिरिट के द्वारा काम नहीं करता, ईवल स्कीम के द्वारा काम करता है, मतलब बुरी आत्मा के द्वारा काम नहीं करता, बुरी चाल के द्वारा काम करता है, ताकि हमको पता ना चले, ताकि हम धोखे में आ जाए, ताकि हमको लगे ये तो संसार कर रहा है, ठीक कर रहा है, मतलब ठीक है मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं, मैं प्रार्थना तो रोज करता हूं, बाइबल तो मैं रोज पढ़ता हूं, और इसी प्रकार वो हमें धोखे में डाल देता है। तभी याकूब कहता है संसार से दोस्ती करना मतलब परमेश्वर से दुश्मनी करना, नफरत करना। बाद में कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। मींस इसका मतलब
शैतान का सामना करो जब वो तुम्हारे सामने दुनियादारी के रूप में आता है. शैतान कभी भी आपको आकर नहीं बोलेगा जय मसीह की मेरा नाम शैतान है, कभी नहीं बोलेगा आपको. और शैतान कभी भी आपके अंदर दुष्ट आत्मा हर बार 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 लेकर नहीं आएगा. दुनियादारी में फंसाने के द्वारा आप अपना काम कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. इसीलिए कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, कम अंडर गॉड, सबमिट योर सेल्फ टू गॉड एंड फेस द डेविल व्हेन ही कम्स टू यू इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्डलीनेस. शैतान का सामना करो जब वो दुनियादारी के रूप में, दुनिया की चीजों को प्यार करने वाली इच्छा के रूप में तुम्हारे अंदर आता है. अब मुझे बताओ कितने लोग ईमानदारी से कह सकते हैं शैतान आपके अंदर आता, आपके जीवन में आता है दुनियादारी, दुनिया की चीजों को प्यार करने के रूप में. कितने लोगों के सामने शैतान आता है? हम सबके साथ होता है. अगर हम ईमानदार हैं, हम कन्फेस करेंगे कि हाँ शैतान मेरे सामने आता है दुनियादारी के रूप में, दुनिया की चीजों के पीछे भागने के रूप में शैतान मेरे सामने आता है. दुनियादारी, दुनिया की चीजों का प्यार बहुत ही चलाकी का हथियार है शैतान के हाथ में. आई होप यू आर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को नोट कर रहे हैं. चार के चार में दुनिया से प्यार करने की बात कर रहा है, चार के साथ में शैतान की बात कर रहा है. मतलब शैतान हमारी जिंदगी में दुनिया की चीजों को प्यार करने की इच्छा पैदा करने के रूप में आता है. इसलिए खतरनाक है, उतना ही ज्यादा सीरियस है जितना एक दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आती है, बराबर है. बस ज्यादा ड्रामेबाज, ज्यादा ड्रामा, ज्यादा ड्रामेटिक होता है जब दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आती है. फर्क सिर्फ इतना ही है, दुनियादारी में पड़े रहते हैं वो ड्रामेटिक नहीं होता. क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया पड़ी है उसके अंदर, अपने को पता नहीं चलता. इसलिए हम दुष्ट आत्मा वालों को ज्यादा ध्यान देते हैं. हमारे अंदर दुनियादारी कितनी है वो भी उतनी ही खतरनाक है. इसलिए दुनियादारी शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, संसार की बातों में हमको फंसा लेना. यहां तक कि सो मच सो दुनिया से प्यार करना आत्मिक व्यभिचार है. लविंग द वर्ल्ड इज स्पिरिचुअल एडल्ट्री, बाइबल कहती है. और इसीलिए 4:8 में याकूब क्या कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा. अब यहां पर दुनिया को, दुनियादारी को दिमाग में रखें. वो दुनियादारी की बात कर रहा था 4:4 में, अब यहां बोलता है परमेश्वर के निकट आओ. आप सब सुन रहे हैं, हाथ उठाएं. जब याकूब यहां पे कहता है परमेश्वर के निकट आओ, इसका मतलब दुनियादारी से दूर जाओ. एक्चुअली वो ये बोल रहा है, परमेश्वर के निकट आओ क्योंकि तुम दुनिया की तरफ भाग रहे हो. और अगर तुम दुनिया की तरफ भाग रहे हो तो तुम परमेश्वर से मित्रता नहीं, तुम परमेश्वर के साथ शत्रुता कर रहे हो. इसलिए शैतान का सामना करो, मतलब जो दुनियादारी के रूप में तुम्हारे सामने आता है शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा और तुम परमेश्वर के निकट आ जाओ. परमेश्वर के निकट कब आते हैं? जब हम संसार से दूर भागते हैं, जब हम संसार की बातों का त्याग करते हैं, हम जब संसार की तरह नहीं बनते हैं, तब हम परमेश्वर के निकट आते हैं. इस वचन में बहुत गहरी बात हमें सीखने को मिलती है. मैं प्रार्थना कर रहा हूं मैं मेरे बोलते बोलते कि आपको समझ में आए जो बात आज प्रभु आपको सिखा रहा है. दुनियादारी शैतान का हथियार है, संसारिकता शैतान का हथियार है. इसलिए हे पापियों अपने हाथ को शुद्ध करो, और हे दुचितो दो चित्त वालो, सारे जोर से बोलो दो चित्त वालो. क्यों कह रहा है याकूब दो चित्त वालों? क्योंकि एक चित्त कहां है? एक चित्त कहां है? दुनिया में. दूसरा चित्त कहां है? कभी कभी प्रभु में. याकूब को अच्छे से पता है ये लोग दुनियादारी में पड़े हुए हैं, तभी कहता है दो चित्त वालों. हम सब ऐसे ही हैं, मान लीजिए हम सब ऐसे हैं, दो चित्त वाले हैं. हमारा 90% समय, या कम से कम हम सब कह सकते हैं 80% समय दुनियादारी में बीतता है. बाकी का थोड़ा बहुत परमेश्वर का नाम ले लिया, और हम प्रभु के पास आते भी अपने कामों के लिए हैं, है ना? प्रभु के पास आते भी इसलिए हैं, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये दुनियावी काम बन जाए.
बाइबल कहती तुम दो चित्त के हो, और इसीलिए रोमियो 12 के 2 में हमें शिक्षा मिलती है, इस संसार के अनुरूप ना बनो, संसार के जैसे ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से, मतलब जब तुम्हारे मन में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का ज्ञान जब तुम्हारे अंदर चला जाएगा, और जितना ज्यादा जाता जाएगा उतना ज्यादा तुम दुनिया से दूर होते जाओगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारे लिए कमांड है, बाइबल में लिखा हुआ है, इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित होते जाओ। अगर आप परिवर्तित होना चाहते हो, बदलना चाहते हो, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, फिर तुम्हें संसार की तरह बनना छोड़ना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, हमें संसार की चीजें भी भर पेट चाहिए और हमें प्रभु की आशीष भी चाहिए, नहीं हो सकता। यीशु ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, और इसीलिए अगर आप परिवर्तित होना चाहते हो, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हो, आपको एक इस आज्ञा को मानना पड़ेगा। कौन सी आज्ञा? संसार के जैसे मत बनो। जब बाइबल कहती है संसार के जैसे मत बनो, इसका मतलब दो चीजें हैं जो हमें संसार की तरह बनाना चाहती हैं। मेरा अंदर का पाप मुझे संसार की तरह बनाना चाहता है, और संसार मुझे दुनिया के जैसा बनाना चाहता है। इसका मतलब जब बाइबल कहती है संसार के अनुरूप ना बनो, मतलब ध्यान रखो, दुनिया तुमको अपनी तरफ खींच रही है, दुनिया तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती है। इसीलिए बाइबल कहती है दुनिया के जैसे मत बनो। हम कितना ध्यान रखते हैं बताओ, हम कितना ध्यान रखते हैं कि हम दुनिया के जैसे ना बने, हम सोचते भी नहीं है इन बातों को। लेकिन संसार हमेशा आपको खींचेगा, हमेशा अपनी तरफ आपको खींचेगा। इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित होते जाओगे, और फिर हम प्रभु की इच्छा को, प्रभु की मर्जी को हम जान सकते हैं। बाइबल में आगे क्या लिखा हुआ, पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा हुआ है, संसार से प्रेम ना करो, ना उन वस्तुओं से जो संसार में है। दुनिया से प्रेम मत करो, और ना ही उन चीजों से प्रेम करो जो दुनिया में है। संसार और संसार की चीजों को प्यार ना करो। ये पत्री जो है ये विश्वासी लोगों को लिखी गई है। इसका मतलब विश्वासी लोग क्या कर रहे थे उस समय, और आज भी क्या कर रहे हैं विश्वासी लोग, यीशु को मानने वाले लोग क्या कर रहे हैं, संसार से प्यार कर रहे हैं, संसार की चीजों से प्यार कर रहे हैं, संसार में खोए हुए हैं, संसार की चीजों के पीछे भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, पागल होना चाहते हैं, हो चुके हैं पागल। उसी प्रकार तभी तो विश्वासी लोगों को कहा गया है मत बनो संसार के जैसे, मत भागो संसार के पीछे, मत भागो संसार की वस्तुओं के पीछे। यदि कोई संसार से प्रेम करता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है, तो बाइबल कहती है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। क्या है इस दुनिया में जिसको हमें प्यार नहीं करना है? हम जब कहते हैं ना दुनिया से प्रेम मत करो, दुनिया से प्रेम मत करो, दुनिया की चीजों से प्रेम मत करो, व्हाट डज इट मीन, उसका मतलब क्या है, कौन सी चीजें हैं जिसको हमें दुनिया में प्रेम नहीं करना है? यूहन्ना हमें सिखाता है साफ साफ और कहता है तीन चीजें हैं, शरीर की अभिलाषा, जो कुछ मेरे शरीर को चाहिए उसमें वासना भी है, उसमें और चीजें भी हैं, जो कुछ मेरे शरीर को चाहिए उसके लिए पागल हो जाना, जो मेरी आंखों ने देख लिया, आंखों की लालसा, मेरी आंखों ने नया कपड़ा देखा है, मुझे हर हाल में खरीदना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर्जा लेके शॉपिंग करते हैं, आपको मालूम है, कर्जा उठा के शॉपिंग करते हैं, आंखों की लालसा, यदि किसी वस्तु को देख लिया उसके लिए पागल हो गए, यदि किसी स्त्री को देख लिया बुरी नजर से फिर उसकी प्राप्ति चाहिए, और अगर नहीं प्राप्त होती तो मन ही मन में उसके साथ हम गलत काम कर लेते हैं। आंखों की अभिलाषा, आंखों की लालसा, ये हम सबके साथ होता है। आप सब जानते हैं आपके शरीर की अभिलाषा क्या है, आप सब जानते हैं आपके आंखों की अभिलाषा क्या है। तीसरा, जीविका का घमंड, तुम्हारे जीवन में क्या है, क्या तुम क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, कहां नौकरी करते हो, तुम्हारे घर में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, उसका घमंड करना।
हमारे घर में जब कोई आता है, हमें मालूम है उसके घर में वो चीज नहीं है, मेरे घर में है, तो हमें अपने आप में बड़ा गदगद महसूस होता है। हम दिखाना चाहते हैं उसको, मेरे पास ये चीजें हैं, ताकि मुझे सुपीरियर फील हो जाए, ताकि मुझे ऐसा लगे, मुझे ऐसा महसूस हो, हाँ मैं तो उत्तम हूं, इससे तो उत्तम हूं मैं। ये घमंड है। कुछ लोग अपनी खूबसूरती का घमंड करते हैं, मेरे जैसा खूबसूरत पूरे गुड़गांव में नहीं है। अलग अलग बातों का हम जब घमंड करते हैं। आप सब जानते हो दोस्तों, आप किन किन बातों के पीछे पड़े हुए हो, जो बातें संसार की हैं, जिन बातों के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग फॉर दोज थिंग्स एंड यू विल ईजिली पुट असाइड क्राइस्ट एंड हिज कमांडमेंट्स फॉर परसुइंग दैट थिंग इन योर लाइफ। आप सब जानते हो आपकी चीज, आपकी जिंदगी में वो कौन सी चीजें हैं जिन चीजों के लिए आप पागल हो, उनकी प्राप्ति करना चाहते हो, और उन चीजों के लिए यीशु को और यीशु की आज्ञाओं को भी साइड में रखने को तैयार हो। वो चीज आपके लिए भगवान है, वो चीज आपके लिए मूर्ति है। और आप यदि आप अपने आप को मसीही कहते हैं, तो आप अपने संसारिकता के द्वारा, दुनियादारी के द्वारा आप व्यभिचार कर रहे हैं परमेश्वर के खिलाफ। परमेश्वर ने आपको संसार से निकाला था, संसार में दोबारा फंसने के लिए नहीं निकाला था। परमेश्वर ने आपको संसार से निकाला, आपके पापों को क्षमा किया, ताकि आपको एक नया दर्शन मिले और जीने के लिए नया मकसद मिले, और उसकी आत्मा से भरकर आप परमेश्वर के लिए जिए। क्योंकि ये दुनिया, ये जिंदगी जो आपको मिली है, बहुत छोटी है। अगर आप 90 साल का जीवन जीते हैं, तो भी तुम्हारा जीवन परमेश्वर की महिमा को पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ेगा। और यदि आप 90 साल तक जिएंगे और आप 15 साल के विश्वास में आ गए, तो भी आप अपना जीवन के 75 साल जो आपने प्रभु की महिमा के लिए काटे, वो भी कम है, क्योंकि उसकी महिमा अपरंपार है। तो फिर कितनी बार हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अपने समय को दुनियादारी के पीछे भाग करके। यदि आपको उसका आनंद चाहिए, है ना, अगर आपको प्रभु को चखना है, टेस्ट करना है, बैठो उसके चरणों में। केवल वचन सुनने से भी नहीं होगा। हम जब वचन सुनते हैं, तो वचन को हमारी जिंदगी में लागू करना है। उस हम जब उस वचन को लागू करेंगे, जो वचन मैंने सुन लिया, जब उस वचन के अनुसार मैं चलने लगूंगा, तो मुझे प्रभु की शक्ति महसूस होने लग जाएगी। इसलिए अगर आप, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे, कैसे उसके लिए पागल हो जाओगे। हम सबको कोई ना कोई चीज अच्छी लगती है ना, वो चीज के लिए हम पागल हो जाते हैं। कल मैं शाम को कहीं पे गया था, वहां पे 30-35 लोग थे, और वहां पे काजू की बर्फी बांट रहे थे। तो जो सबसे उस बड़े व्यक्ति जो उस टीम के में थे, काजू कटली खाई कितने लोगों ने, काजू बर्फी क्या बोलते हैं उसको, काजू कटली बोलते हैं। तो वो डब्बे में सबको बांटी, और डब्बा अभी भी मतलब भरा हुआ था, क्योंकि सबको, बड़ा डब्बा था और सबको मिल गया, कुछ लोगों ने नहीं लिया। तो वो अंकल ने क्या बोला, उन्होंने बोला, मेरे सामने मत लाओ वरना मैं सारी खा जाऊंगा। इन्हों कोई चीज है क्यों, उनको बहुत वो चीज पसंद है, वो खा चुके हैं, बहुत बार खा चुके हैं, और खाने का मन करता है। उसी प्रकार हम सबको, जैसे अगर मैं खाने की बात करूं, मुझे बैंगन का भरता बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे तोरी होती ना, तोरी काटते जानते हैं, ओके, मुझे तोरी की सब्जी बहुत पसंद है। अगर मुझे कहीं पे मिलेगी, मैं कितनी भी खा सकता हूं, सच बता रहा हूं मैं, मुझे बहुत पसंद है। उसी प्रकार जब हम प्रभु को एक बार चख लेंगे, फिर हमें और चाहिए। क्या उस प्रकार तुमने प्रभु को चखा है? तभी तो संसार के पीछे पड़े हुए हैं हम लोग, बिकॉज वी हैवंट प्रोबेबली सीन गॉड फ्रॉम एज क्लोज एज वी शुड एंड वी कैन। हम प्रभु को उतनी नजदीकी से देखा नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं प्रभु को उतनी नजदीकी के साथ। और जब हम देख लेंगे ना, ये दुनिया बहुत छोटी लगेगी। इसीलिए जब आप दुनिया की चीजों के पीछे भागते हो, जब वो चीजें आपको मिल जाती हैं, आप संतुष्ट नहीं होते। जिस चीज की कामना करी, उस चीज को पा लिया, लेकिन फिर भी कुछ और चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि वो कुछ और परमेश्वर ही है। और जब तक वो नहीं मिलेगा, तड़पते जाओगे।
जब तक परमेश्वर की प्राप्ति नहीं करोगे तब तक दुनिया की चीजों को इकट्ठा करते जाओगे लेकिन फिर भी अपने आप को खाली और नंगा महसूस करोगे। दुनिया की चीजों को पाने के बावजूद, हां, क्योंकि यीशु ने कहा जो पूरे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन जो अपनी आत्मा खो दे उसके लिए किसी लाभ का नहीं है। इसका मतलब पूरी दुनिया एक तरफ है, हमारा प्रभु एक तरफ है। और दुनिया की चीजों के पीछे भागने से क्या फायदा जब हमें प्रभु ने बड़ा इनाम हमको देना है। उसने कहा है जब मैं आऊंगा मैं अपना इनाम तुमको दूंगा और हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। ये संसार हमेशा फीका पड़ जाएगा अगर आप संसार के पीछे भागते रहे तो, क्योंकि ये संसार वाकई में फीका है। और यीशु ने कहा खत्म हो जाएगा सब कुछ, आकाश और धरती मिट जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं मिटेगा। कहा प्रभु ने, आकाश और धरती मिट जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं मिटेगा। इसलिए ये समस्या है इन चीजों में, ये चीजें, इन चीजों में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज रॉन्ग विथ दीज थिंग्स, संसार की चीजों में क्या गड़बड़ है, क्या ठीक नहीं है। पहली बात, संसार की चीजों में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ये चीजें पिता की ओर से नहीं है। वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 2:16, बाइबल में लिखा हुआ है ये चीजें पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। संसार है जो हमें लुभाता है, इन चीजों का ऑफर फेंकता है हमारे सामने और हम फंस जाते बड़े आराम से। दिस इज वॉट इज रॉन्ग इन दिस, दीज थिंग्स हैव नॉट कम फ्रॉम गॉड, ये चीजें परमेश्वर से नहीं आई है, दुनियादारी परमेश्वर ने नहीं ठहराया। दूसरा, इस दुनिया का ईश्वर शैतान है, ये चीजें दुनिया की ओर से नहीं है इसलिए ये चीज बुरी है। क्योंकि दुनिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया का ईश्वर इस समय कौन है, शैतान है। इस युग का देवता कौन है, कौन है जो इस युग को, इस पापी युग को चला रहा है, कौन है, परमेश्वर नहीं है, शैतान है। बाइबल हमको सिखाती है 2 कुरिन्थियों 4:4, इस दुनिया का ईश्वर शैतान है। दुनिया अच्छी थी, भली थी, सुंदर थी, परफेक्ट थी, सिद्ध थी। याद है उस बगीचे में कोई आया था, याद है आदम और हवा को भरमाने के लिए, उस घड़ी से यह दुनिया कलंकित है, उस घड़ी से यह दुनिया परमेश्वर के अनुसार नहीं चलती है, उस घड़ी से यह दुनिया दूषित है, पाप में भरी हुई है। उस दिन से, उस पल से यह हो गया, कल परसों की बात नहीं है, ये तब की बात है जब आदम और हवा ने, जब इंसान ने, जब शैतान की बातों पर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। यह समस्या उस दिन शुरू हुई थी, लेकिन धन्यवाद मेरे परमेश्वर का, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर के पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा को माना था और क्रूस पर अपना बलिदान दिया था, उस दिन परमेश्वर ने आपको और मुझको शुद्ध करने के लिए प्रभु ने सब प्रबंध कर दिया था। हालेलुया। दो बड़ी घटनाएं हैं इस संसार की। पहली घटना, जब शैतान के बातों में आकर के जब संसार, जब लोगों ने पाप किया, वो बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन उससे भी बड़ी घटना, उससे बड़ी महिमा वाली घटना, उस कलवरी क्रूस पर यीशु जब क्रूस पे मर गया तो शैतान और उसकी सारी शक्तियों को नंगा कर दिया और हरा दिया। मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया। अब क्यों हम वापस जाएंगे उस बात में, जिस बात के कारण मेरे परमेश्वर को मरना पड़ा, उन बातों में मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। हालेलुया। ये दुनिया शैतान के हाथों में है, अभी हारा हुआ है शैतान, लेकिन अभी उसकी बेइज्जती नहीं हुई है पूरी, अभी उसको हमेशा के लिए नष्ट नहीं किया है हमारे प्रभु ने, अभी उसको खुला खुला छोड़ा हुआ है, बट परमेश्वर उसका नष्ट करेगा उसको, और तब तक वो इस दुनिया को चला रहा है। और शैतान के पास देने के लिए है का, एक्चुअली शैतान के पास देने के लिए दुनिया है। जब शैतान यीशु के सामने गया और यीशु की परीक्षा ली, तो शैतान ने यीशु को क्या दिया था, तीसरी बार ऊंचे जगह पर ले गया और क्या बोला, ये पूरी दुनिया का वैभव गौरव देख तुझे मैं दे दूंगा। क्यों? क्योंकि शैतान के हाथ में है दुनिया, वो दे सकता है, ये दुनिया उसी के चलाए चलती है। इसलिए शैतान
इस दुनिया को इस समय चला रहा है, और आप लोगों को इस बात की हैरानी नहीं होनी चाहिए, उन अविश्वासियों की बुद्धि को जो इस संसार के ईश्वर ने जिन और उन विश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, कहां के ईश्वर ने, संसार का ईश्वर कौन है, शैतान है, उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है, कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजस्वी सुसमाचार की ज्योति को ना देख सकें। शैतान ने इस दुनिया के लोगों को क्या किया हुआ है, आंखें बंद कर दी हैं, देख नहीं सकते वो किस बात को, कि यीशु मसीह सबसे महिमामय परमेश्वर है, नहीं देख सकते, शैतान ने अंधा किया हुआ है। लेकिन जब जिस दिन जिस पल जिस घड़ी हमारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है, आंखों को खोल देता है, हम प्रभु को देखने लग जाते हैं, और वही आपके साथ हुआ है। आज आप इस भवन में इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपकी आंखों पर शैतान ने पट्टी बांधी हुई थी, आप अंधे थे, आप और मैं अंधे थे, लेकिन एक दिन था पवित्र आत्मा आया और उसने हमारी आंखों को खोल दिया, हम प्रभु को देखने लग गए। इट इज द वर्क ऑफ गॉड। आपको यदि आप मसीही कहते हैं अपने आप को, दिस इज नॉट योर अचीवमेंट, ये आपकी उपलब्धि नहीं है, परमेश्वर ने आप पर दया की है, आप अंधे थे, अंधे लोग गिर जाते हैं, हम नहीं गिरते हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला है। What's wrong with these things? इन चीजों में प्रॉब्लम क्या है? ये चीजें पिता की ओर से हैं, पिता की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है, और ये संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी, आकाश में एक अधिकारी है, एक शक्तिशाली व्यक्ति है, वो शैतान है, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। मतलब वो जो अधिकारी है वो कौन है? वो एक आत्मा है। वो कौन सी आत्मा है? शैतान है, जिसके अनुसार तुम चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में क्रियाशील है। तीसरी बात, वो पूरे दुनिया को भरमाता है। शैतान क्या करता है? पूरी दुनिया को भरमाता है, भटकाता है। शैतान पूरी दुनिया को धोखा देने वाला शख्स है। बाइबल में लिखा हुआ है, देखिए, तब वो बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्यों बोला आपसे कि शैतान आपका दुश्मन है? क्योंकि संसार क्या है? पूरा भरमाया हुआ है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। पूरा संसार भरमाया हुआ है, संपूर्ण संसार को वो भरमाता है। इसीलिए दुनिया से हमें बच के रहना है, दुनिया से अलग रहना है, दुनिया से दूर रहना है। वो पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया उस समय जब उसने सबको भरमाया। वचन में उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है। क्यों हमें संसार की चीजों के पीछे भागना आपके लिए व्यर्थ क्यों है? Why is it futile? क्यों व्यर्थ है आपके लिए संसार की चीजों के पीछे भागना? क्योंकि संसार और उसकी लालसाएं मिटती जा रही हैं। संसार खत्म हो जाएगा एक दिन, और संसार जो कुछ आपको ऑफर करता है, जो कुछ संसार आपको देता है, वो चीजें जो संसार की चीजें जो आपको अपनी तरफ खींचती हैं, जब हमारा प्रभु आ जाएगा, सब कुछ राख और नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए संसार की चीजों के पीछे भागना हमारे लिए व्यर्थ होगा। तो हम क्या करें? हमें संसार पर जीत पानी है, हमें संसार पर काबू पाना है, हमें संसार पर विजयी होना है। संसार हम पे हावी ना होने पाए, हम संसार के ऊपर हावी हो जाएंगे। हालेलुया। हमें दुनिया पर काबू पाने की जरूरत है, हमेशा दुनिया पर जीत पाने की जरूरत है, हमें दुनिया पर विजय होने की जरूरत है, हमें ओवरकम करना है दुनिया और दुनिया की बातों को हमें ओवरकम करना है। कैसे करेंगे हम ओवरकम? हाउ डू यू ओवरकम? कैसे हम ओवरकम करें? कैसे हम दुनिया की बातों पर जीत हासिल करें? कैसे? सबसे पहली बात, आपको यीशु मसीह पर विश्वास अटूट होना चाहिए। दिस इज द बिगिनिंग। कोई मेहनत
करनी है आपको, कोई डिगिंग करनी है, कोई आई मीन कुछ खोदना है आपको, कुछ बनाना है, हाथों से कुछ करना है, नहीं। अगर आपको दुनिया पर विजय प्राप्त करनी है, दुनिया पर जीत हासिल करनी है, अगर आपको इस लायक बनना है कि दुनिया आपको दबा ना सके और खींच ना सके, तो जो पहली चीज आपको करनी है वो है यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है। एंड इफ यू डोंट डू दैट, अगर आप यीशु के नाम पर नहीं विश्वास कर रहे हैं, फिर आप दुनिया के हैं। दो लोग जो एक ही पार्टी के होते हैं लड़ाई करते हैं? दो लोग जो एक ही ग्रुप के हैं लड़ाई करेंगे? आपकी लड़ाई तभी है जब आप इस तरफ हैं, प्रभु की तरफ हैं। और वो लड़ाई आप तब कर पाएंगे जब आप प्रभु की तरफ हैं और जब प्रभु के नाम पर आप विश्वास करते हैं। मान लो कोई टीम कोई गेम खेल रही है और उस गेम का जो कप्तान है उस कप्तान की काबिलियत पर विश्वास नहीं है, खेल पाएंगे? खेल पाएंगे बताइए? जिस व्यक्ति ने कभी बैट नहीं पकड़ा, जिस व्यक्ति ने कभी बैट नहीं पकड़ा, उसे इंडिया की टीम का कैप्टन बना दिया जाए, क्या लोग खेलेंगे उसके साथ? इसलिए यीशु पर सबसे पहले आप विश्वास करें कि सचमुच मेरा प्रभु दुनिया पर जीत पा चुका है। विश्वास करो, प्रभु तूने सचमुच शैतान को हराया है, तो प्रभु अगर मैं तेरी तरफ रहूंगा ना, शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता। बिलीव दिस, आप प्रभु की साइड रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप प्रभु की साइड नहीं हैं, सुरक्षा की कामना मत करें, लेकिन आप प्रभु की तरफ हैं। अगर आप प्रभु की तरफ हैं, प्रभु के हजार दूत आपकी रक्षा करेंगे। संसार कुछ नहीं कर सकता आपका यदि आपका विश्वास मजबूत है। और वे कौन है, लिखा है बाइबल में, कौन है जो संसार पर विजयी होता है, कौन है जो संसार पर जीत प्राप्त करता है, सिवाय उसके जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब जो विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस बात पर विश्वास करना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि यीशु ने कहा, ये बातें मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार तुम्हें क्लेश देता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। जब एक कप्तान मैच को जीतता है, कितने लोगों ने टीवी पर मैच देखा है बताइए? कोई आपने कुछ गलत काम नहीं किया, हाथ उठा सकते हैं। आपने कभी देखा है कि जब कोई भी जब मैच होता है, जब कोई टीम जीतती है, तो ट्रॉफी को जीतने वाला एक व्यक्ति लेने जाता है, राइट? लेकिन बाद में फोटो कौन खिंचवाता है? पूरी टीम। देखा कि नहीं देखा आपने? तो पूरी टीम, मतलब कप्तान ने जीत को हासिल कर लिया, वो ट्रॉफी वो शील्ड ले ली, बाद में वो तस्वीर में किसको लेता है? अपनी पूरी टीम को लेता है। मतलब वो जो जीत है सब लोग मिलके बांटते हैं। हालेलुया। तो जो जीत हमारे प्रभु ने बांट जीत ली है, शैतान को हरा दिया है, दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है हमारे यीशु ने, तो यदि हम यीशु पे विश्वास करेंगे तो वो जीत वो हमको भी दे देता है। हालेलुया। और फिर हम फैसला कर सकते हैं, नहीं ये काम ये दुनिया के अनुसार ठीक है, मेरे प्रभु के अनुसार नहीं, मैं नहीं करूंगा। प्रभु मुझे शक्ति दे, प्रभु तुरंत मदद को भेजता है। इसलिए द फर्स्ट थिंग यू नीड इज फेथ इन जीसस। द सेकंड थिंग, दूसरी बात जो आपको चाहिए, हर हमेशा प्रभु की बुद्धि को मांगो, स्वर्ग की बुद्धि को मांगो। मेरे पीछे बोले, मैं स्वर्ग की बुद्धि को मांगूंगा। क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में हर रोज और जीवन के बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए आपको बुद्धि चाहिए। अगर आप संसार की बुद्धि के अनुसार, जो दुनिया आपको कहती है, बाइबल कहती है, धन्य है वो लोग जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता, धन्य है वो लोग जो दुनिया के लोगों की सलाह के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो लोग धन्य हैं। क्योंकि दुनिया हमें बुद्धि दे, दुनिया के पास है बुद्धि, लेकिन नष्ट होने वाली और नष्ट करने वाली बुद्धि, और ऐसी बुद्धि जिस पर हमारे प्रभु का हाथ नहीं है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में जो फैसले लेते हो, किससे शादी करोगे, कब शादी करोगे, आपके बच्चों के लिए आप डिसीजंस लेते हो, अपना पैसा कैसे खर्च करोगे, इन सारी चीजों पर परमेश्वर की बुद्धि के साथ फैसला लेना जरूरी है।
और परमेश्वर की बुद्धि मांगो और वो देता है। आज हमने क्या गीत गाया था, प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, प्रभु हमारा निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। और बाइबल में परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर का वचन में ऐसी शक्ति है, लिखा है वचन में, परमेश्वर का वचन निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बना देता है। सो परमेश्वर की बुद्धि मांगो, प्रभु मैं क्या करूं, ये दोस्त मुझे ऐसे बोल रहा है, ये पड़ोसी मुझे ऐसे बोल रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे अपनी बुद्धि दे। परमेश्वर बुद्धि देगा और आप सही फैसले को लेने के योग्य हो जाएंगे। बाइबल ये भी कहती है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन अपनी सब बातों को परमेश्वर के हवाले छोड़ देना, वो तेरे लिए रास्ते सीधे करेगा। परमेश्वर की बुद्धि को मांगे, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को जिए। क्या लिखा हुआ है बाइबल में, लिखा है कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई अपने आप को इस युग के अनुसार, मतलब इस युग, इस दुनिया के अनुसार जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है तो वो मूर्ख बन जाए। अगर आपको इस दुनिया के अनुसार सब कुछ करना है तो बेटर है तुम मूर्ख बन जाओ, दुनिया तुमको मूर्ख बोले चलेगा, परमेश्वर की बुद्धि से मैं जीत हासिल करूंगा। दुनिया मेरा फैसला नहीं कर सकती, परमेश्वर का नियम मेरे रास्तों को दिखाएगा। हालेलुया। कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई है जो अपने आप को इस युग में बुद्धिमान समझता है तो वो मूर्ख बने, जिससे कि वो बुद्धिमान बन जाएगा। जब तक दुनिया से नहीं हटोगे, जब तक दुनिया के चलाए चलना बंद नहीं करोगे, परमेश्वर की बुद्धि को हासिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के समक्ष क्या है, मूर्खता है। अब समझ में आ गया क्यों इस संसार का ज्ञान, मेरे पीछे बोलो, इस संसार का ज्ञान प्रभु के सामने मूर्खता है। जैसा लिखा है वही है जो बुद्धिमानों को, मतलब जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको उनकी चतुराई में उलझा देता है। हालेलुया। इंसान बहुत अपने आप को समझता है ना, परमेश्वर विकेट लोगों के प्लान्स को नष्ट करना जानता है। परमेश्वर जो दुष्ट लोग हैं, दुनियावी लोग हैं, उनकी सारी योजनाओं को ताश के पत्तों की तरह तबाह कर सकता है। अपना घर ताश के पत्तों के समान या रेत पर मत बनाओ, जैसा यीशु ने कहा। बुद्धिमान कहां पे अपना घर बनाता है, चट्टान पर अपना घर बनाता है। अगर आप बुद्धिमान हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के अनुसार चलाए चलें, जब आप प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, आप चट्टान पर अपना घर बनाएंगे, आंधी आएगी, तूफान आएगा, घर बना रहेगा। तीसरी चीज, अधर्म और संसारिकता की अभिलाषा को ना कहो, उसको ना कहो, मना करना है। किसको? अधर्म को, जो गलत बातें हैं और संसार की जो अभिलाषा है उनको नो बोलना है। यू हैव टू एक्चुअली स्पीक इट आउट, नो मैं नहीं करूंगा। आपको यह प्रैक्टिस करना है। वचन क्या सिखाता है, वो हमें यह सिखाता है, वचन में लिखा हुआ तीतुस 2:12 में लिखा है, वो हमें यह सिखाता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषा का क्या करें, पढ़ो क्या लिखा है, इनकार करें। वो हमें सिखाता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषा का इनकार करें। चौथा, लिविंग सेल्फ कंट्रोल्ड अपराइट एंड गॉडली लाइव्स, मतलब इन कामों को नहीं करना, अधर्म और संसारिक अभिलाषा को पूरा नहीं करना, बल्कि क्या करना है, संयम रखना है, धार्मिकता और भक्ति के साथ अपना जीवन बिताना है। सही काम को करें, परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाएं, धार्मिकता, सही काम को करें, संयम रखें, धीरज रखें, भाग दौड़ मत करें, विश्वास करें, परमेश्वर के समय का इंतजार करें, वो सब चीजें सही समय पर हमारे एंजॉय करने के लिए हमको देता है। तभी वचन में लिखा हुआ है कि तुम अपने आप, हम पीछे देखते हैं, और अपने आप को संसार की संसार से निष्कलंक रखें। जो बाइबल कहती है विश्वासी लोगों से, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें, इसका मतलब बाइबल ये सिखा रही है, संसार के पीछे यदि हम जाएंगे हम कलंकित हो जाएंगे।
संसार हम पर क्या लगाता है? कलंक लगाता है, क्योंकि संसार हमसे वही काम करवाएगा जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। जब हमने वो काम कर दिया जो प्रभु के अनुसार नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे? कलंकित हो जाएंगे। तभी बाइबल कहती है अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। शैतान बड़ा तैयार खड़ा है आपको पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, संसार में भरमाने के लिए, घुमाने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए। और आखिरी है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। यदि आप पवित्र जीवन जीना चाहते हो, प्रभु के रास्ते पर अपनी दौड़ को पूरा करना चाहते हो, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बीती हुई जिंदगी को पीछे मुड़ के मत देखो। बहुत कुछ है पुरानी जिंदगी में, ऐसा बहुत कुछ है जो आपको अच्छा लगता है, बहुत कुछ है। पुरानी जिंदगी की बातें बहुत बोरिंग बातें नहीं थी एक्चुअली। पुराने जीवन की बातें, बहुत सारी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी, मजा दिलाने वाली। सचमुच में पाप में है मजा। अगर पाप में मजा ना हो तो लोग पाप ना करें। पाप में है मजा, लेकिन बाइबल कहती है तुम पीछे मुड़ के ना देखो। पुराने सोच विचार, पुराने विचारधारा, पुराना वो मेरा ये कर देगा, वो भगवान मुझे ये कर देगा, ये देवता मेरा भला कर देगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और जो पीछे मुड़ के देखते हैं उनके बारे में बाइबल क्या कहती है? ये आखिरी वचन है, यदि वो लोग, ये उनके बारे में है जो पीछे चले गए, जो प्रभु को छोड़ के वापस चले गए। क्या कहता है बाइबल में? यदि ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान द्वारा, मतलब प्रभु को जानने के द्वारा, अगर ये लोग संसार की अशुद्धताओं से बच निकलने के बाद फिर उनमें वापस फंस के हार गए, मतलब कुछ लोग हैं जो वापस चले जाते हैं संसार की अशुद्धता से, प्रभु ने निकाल लिया लेकिन जो फिर फंस के वापस उसमें हार गए, तो उनके उनकी हालत जो पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, संसार से बचे। संसारी आपका दुश्मन है, संसारिक बातें आपका दुश्मन है। अपने युद्ध को लड़ो, प्रभु आपके साथ है। ये पांच चीजों को ध्यान रखना यदि आप जीतना चाहते हो। यीशु पर विश्वास करो, क्योंकि यीशु ने संसार को जीत लिया है। दूसरा, स्वर्ग की बुद्धि की तलाश करो। तीसरा, अधर्म और संसारिक अभिलाषा को मना करो। संयम, धार्मिकता और भक्ति के साथ अपना जीवन बिताओ। और पांचवा, बीती हुई जिंदगी को वापस पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखना है। अंत में याद रखें, ये दुनिया कुछ दिनों की है। ये देश, ये दुनिया हमारा देश नहीं है। हमारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग की है। परमेश्वर वहां पे हमें अपने पुत्र को ले जाने के लिए, हमें वहां पे ले जाने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा, सचमुच भेजेगा। सचमुच यीशु आएगा और हमें ले जाएगा। उस दुनिया की ओर ध्यान लगाएं, उस दुनिया की ओर अपनी मेहनत, अपनी आंखें लगाएं, उस दुनिया के लिए सब प्रयास करें जो दुनिया में आपको हमेशा के लिए रहना है। हालेलुया, वही है आपका अंतिम मुकाम। वहां पे अपनी निगाहें लगाओ। जब तक इस धरती पे हो, परमेश्वर के साथ अपना जीवन सही बना के रखो। प्रभु आप सबको आशीष दे।